आज हम बनाएंगे चावल की कुरेरी। गर्मी के दिन है, बहुत अच्छी धूप खिल रही है और इन्हें बनाने का यही सही समय है। नमस्कार, nishamadrika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। चावल की कुरेरी बनाने के लिए आप कोई भी कच्चे चावल, वो छोटे हों या टूटे हों, कैसे भी चावल हों, वो ले सकते हैं। जैसे हमने ये छोटे छोटे चावल ले लिए, इनसे हम खीर बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं, वही चावल हैं। ये भीगे हुए चावल, एक कप चावल को पानी से अच्छी तरीके से धोकर रात भर भिगोकर ले लिया है। इनसे पानी हटा देते हैं। रात भर भीगा हुआ चावल है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है ये। जार में चावल डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, उतना ही पानी जितना कि हमें पीसने के लिए चाहिए। ज्यादा पतला मत करिए वरना चावल बारीक नहीं पीसेंगे। 3-4 टेबलस्पून पानी डालिए। देखिए एकदम बारीक पेस्ट बना लिया चावल का, दाने दाने नहीं रहने चाहिए। अब ये चावल कुक करने हैं, तो ये पिसा हुआ चावल का पेस्ट मैंने कुक करने के लिए कढ़ाई ली है। आप कोई भी भारी तले का भगोना ले सकते हैं। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है। आधा कप पानी चावल को पीसने में यूज किया था और ये आधा कप पानी जार में डालकर ले लिया। हमें इन चावल में पूरा 5 कप पानी मिलाना है, यानी चावल की मात्रा का 5 गुना। ये पूरा 5 कप पानी इसमें डाल दिया और ये लेवल करके 1 छोटी चम्मच नमक, हल्का सा ही नमकीन बनाते हैं इन्हें। बेकिंग सोडा 1 पिंच। पूरा ध्यान रखें, बेकिंग सोडा ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालें। चावल को अच्छे तरीके से पानी में घोल लेते हैं, और अभी तक हमने गैस ऑन नहीं की है। ये अच्छे तरीके से घुल गया, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे। इसे लगातार चलाते हुए तेज फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं, और कुक करते हुए अभी 7 मिनट हुए हैं, और आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े चंक्स आने लग गए। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा। अब आपको पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ना है, तेजी से इसे चलाते रहना है। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। ये जो गाढ़ा होता जा रहा है, एक जैसा चलता चला जाना चाहिए। फ्लेम तेज है, बर्तन थोड़ा सा बड़ा ही ले ताकि ये चलाते बन जाए अच्छी से। ये गाढ़ा होता जा रहा है, थोड़ा सा मैंने तेज कर दिया चलाना। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस हाथ थोड़ा सा जल्दी चलाना है। इसमें अच्छा उबाल भी आ रहा है। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है, और ये चावल अच्छी तरीके से कुक हो गए। यानी जैसे ये गाढ़ा हो गया था, उसके बाद हमने तेज फ्लेम पर 3 मिनट और कुक किया है और चलाने का बिल्कुल ध्यान रखा है। तो अब फ्लेम कर दीजिए बंद। ये कुक हो गया, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। इन्हें बनाने के लिए हम ले रहे हैं थालियाँ। थोड़ा सा ऑयल डालिए और चारों ओर लगा दीजिए। थोड़ा सा ही बना रहे हैं, थालियों में आ जाएगा आराम से। अगर आप ज्यादा चावल से बनाए तो किसी भी चादर पर पॉलीथीन बिछाइए और उसके ऊपर तोड़िए। फिर हल्का हल्का ऑयल लगाना है, और ऑयल आप सरसों का मत लगाइए, कोई भी रिफाइंड ऑयल लगाइए। सरसों का ऑयल थोड़ी स्मेल करने लगता है बाद में, और बहुत ही कम लगाना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना। थालियां ग्रीज हो गई। ये बैटर हल्का सा ठंडा हुआ है इसमें अभी, क्योंकि इसमें तो जल्दी से ठंडा होगा नहीं, तो थोड़ा सा बैटर अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने ये प्याला ले लिया और इसमें निकाल लिया ये बैटर, और कढ़ाई को हम ढक कर रख देते हैं ताकि ये सूखेगा भी नहीं। तो ये बैटर को हम किनारे से थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और थाली में डालते जाएंगे इस तरीके से। इसको एकदम ठंडा नहीं करना होता, इतना ठंडा करना है कि आपका हाथ छू सके। वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो जमने लगेगा और ये कुरेरी हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो किनारे किनारे से उठा रहे हैं और इसे इस तरीके से तोड़ते जा रहे हैं। बहुत आसान काम है, बस थोड़ा सा प्लान करना होता है। इन्हें बनाने के लिए आप फटाफट सुबह सुबह जल्दी से चावल को पीस लीजिए और पकाकर तैयार कर लीजिए। 9-10 बजे इन्हें तोड़कर और धूप में सुखा दीजिए ताकि ये शाम तक काफी कुछ सूख जाएंगी। इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। ये थाली भर गई, इसे हटा देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। बस इसी तरीके से बनाते जाना है। अब इस प्याले का बैटर खत्म हो गया, कढ़ाई में से और निकाल लेते हैं। पूरा गर्मा गर्म रखा है अभी। ये भी भर गई। तो ये सारी कुरेरी हमने तोड़कर तैयार कर ली। अब इन्हें रखेंगे धूप में सूखने के लिए, और इसके बाद जब ये सूख जाएंगे तब फिर मिलते हैं आपसे।
ये चावल की कुरेरी सूखकर तैयार है। इन्हें सूखने में लगे हैं 3 दिन। ये थोड़ी मोटी होती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। 3 दिन में ये बहुत ही अच्छी एकदम सूखकर तैयार हो जाती है। इसके बाद आप इन्हें किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और जब भी आप तलें, निकालिए, तलिए और खाइए। तो अभी इन्हें तल भी लेते हैं। इन्हें तलने के लिए तेल पहले से ही गर्म करने रख दिया था, तो ये गर्म हो गया है। एक कुरेरी डालकर देख लेते हैं। थोड़ा कम गर्म है ऑयल अभी। इन्हें तलने के लिए तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तेल कम गर्म है इसलिए ये बहुत ही धीरे धीरे फूल के आ रही है। तेज़ गर्म में डाल देते हैं ये कुरेरी तलने के लिए। फ्लेम भी तेज है और ये देखिए फटाफट फूलने लगी और तैरकर ऊपर भी आने लगी। बस थोड़ा सा कलछी से चला दीजिए और अब फ्लेम कर दीजिए धीमी। 1 मिनट इन्हें कुरकुरा होने दीजिए। कलर चेंज नहीं करना है, वाइट ही रहेंगी। बहुत जल्दी भुन जाती हैं ये। और जैसे ये सीख जाए फ्लेम को धीमा कर दीजिए, वरना तेल बहुत गर्म हो जाता है और ये जलने लग जाती हैं। इन्हें तलते तलते मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब मैं 9th 10th में पढ़ती थी तो शाम का खाना मुझे बनाना होता था। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालते थे और इसके बाद चिप्स, कुरेरी, पापड़ जो भी सूखे रखे हैं तलते थे और खाते थे। फिर बाद में उसी कढ़ाई में सब्जी बना लेते थे। क्या आपने भी ऐसा अपने बचपन में किया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चावल की कुरेरी यानी कि फूल बड़ी बनकर तैयार है और देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। एकदम कुरकुरी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। चावल को जब पीसे बारीक पीसे और जब उसके साथ में पानी डालकर घोल बनाएं तो नाप कर पानी लें। 1 कप चावल भिगोए हैं आपने, तो अब आप इसमें 5 कप पानी डालिए और इसके घोल में जब आप बेकिंग सोडा डालें तो पूरे ध्यान से डालें। बस 1 पिंच बेकिंग सोडा इतनी कुरारी बनाने के लिए काफ़ी है। आप बिल्कुल भी ज़्यादा बेकिंग सोडा मत डालिए, क्योंकि ज़रा भी ज़्यादा बेकिंग सोडा हो जाएगा तो बाद में जब आप कुरारी तलेंगे तो वो तलते समय टूटने लगेंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। उससे सॉफ्टनेस के लिए बहुत ही कम बेकिंग सोडा डाला जाता है। और जब वो पकाते पकाते थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तब ध्यान से चलाते जाइए जल्दी जल्दी कि उसमें गांठें ना आए। तो अभी बहुत अच्छी धूप है, इन्हें फटाफट बना डालिए। इन्हें आप पूरे साल भर तक रख कर एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे बताइए कि कैसी बनी, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।